लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नगर निगम के द्वारा प्रतिवर्ष जब ठंड बढ़ती है इस तरह की व्यवस्थाएं, रैन बसेरा की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस बार भी रैन बसेरा की व्यवस्था की जा रही है और बहुत सारे रैन बसेरे हमारे बन चुके हैं। जो बन चुके हैं उनको चालू कर दिया गया है, कुछ बन चुके हैं उनको चालू करने की स्थिति में है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हम लोग इसको और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टेशन पर ऐसा लोगे तो हमारी एक टीम रोज़ निकलती है शाम को नगर निगम की तरफ से जोन वाइज अपने अपने जोन में लोग। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हम लोगों ने किया था, अपनी गाड़ी से जोनल अधिकारी शाम को जाते हैं, अगर रात में कोई बाहर सोता हुआ मिलता है तो उसको लाकर रैन बसेरा में स्थान दिया जाता है। लेकिन वो टीम अभी बहुत ज़्यादा ठंड ना होने के कारण उसको अभी नहीं किया गया था। और चारबाग में जैसा आप बता रहे हैं तो हम उसको दिखवा लेंगे, उनको कहीं ना कहीं हम रैन बसेरा में ले। जो गरीब मजदूर हैं उनका कहना है कि आते हैं और नगर डंडे मार के भगाते हैं। नगर निगम कभी डंडे मार के नहीं भगाता, सिर्फ अधिकारी कागजों पे रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि निकलते हैं रोज रात में, सिर्फ नहीं, अभी इस बार अभी नहीं शुरू हुआ। हकीकत क्या है, कल रात में मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है तो उनको भी कहीं ना कहीं से पता चला होगा क्योंकि ठंड पड़ी है और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अधिकारियों को नहीं, हम आज ही लिखित में आदेश कर देंगे कि वो अपनी जो व्यवस्था है पिछली बार वाली जाकर करने वाली उसको शुरुआत कर दे। ठंड में लोगों की मौत हो जाती है सड़क पे, अलाव की व्यवस्था होती नगर निगम की, इस बार कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो भी शुरू कर दिया गया है, कल से परसों से शुरू हो चुकी है, जिसमें भी जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट चिन्हित हैं अभी वहाँ जा रही है और कहीं से समस्या आती है तो उस पर हम लोग आखिरी सवाल पे बाइट लेना होता है अधिकारी की किसी मुद्दे पे तो अधिकारी टाल मटोली करते हैं किनके पास चले जाओ करवा दीजिए उस पे क्या कहें। थोड़ा सा नगर निगम अधिकारी भी आए मैम, मीटिंग का बहाना बनाते हैं, सिंगल पक्ष में फिर खबर चल नहीं पाती है। हफ्ते के अधिकारी एक पोस्ट हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे एक बाइट अगर दे देगा तो ये मैं नगर आयुक्त से बात कर लूंगी क्योंकि हफ्ते के पांच मीटिंग में रहते हैं, हमेशा मीटिंग में रहते बताते मैं मीटिंग में नहीं, किसी अपर को ऑथराइज कर देंगे, अपर को कर देंगे। अधिकारी खुद फोन कभी नहीं उठाते हैं और एक बड़ी समस्या नहीं, मेरा फोन तो 24 घंटे खुला रहता है और मैं तो अधिकारियों पे अगर ऐसी कोई अभी कुछ दिन पहले यह चर्चा हुई थी और मैंने अधिकारियों से कह दिया था और अगर उसके बाद भी कोई नहीं उठाता है तो मैं मुझे बताएं कि किसने कब फोन किया और नहीं, फिर हम उनसे बात करें। सर ठंडी शुरू हो गई है, रेन बसेरे को लेकर देख रहे हैं आप, सर जगह जगह लोग लेटे हुए हैं तो सर क्या कुछ व्यवस्था है सर ठंडी देखते हैं। इसमें देखिए 23 जो है स्थायी रेन बसेरे बनाए गए हैं और 20 अस्थायी रेन बसेरे बनाए गए हैं, इसमें लगभग 800 की कैपेसिटी है और ये पर्याप्त हमारे पास कैपेसिटी है, इसमें सभी लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। और रात को पेट्रोलिंग टीम भी हमारी जो है निकलती है तो वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई जो है सड़क पर ना सोए। हाँ सर इनोग्रेशन किया गया था मतलब, तो सर कितनी गाड़ियाँ निकली, क्या ये 110 वाहन जो है आज ये CNG वाहन है ये रवाना किए गए हैं, होपट्टे पर गाड़ियाँ हैं, ये सभी बाड़ों में जो रोड स्वीपिंग का कूड़ा है उसको एकत्रित करने में ये जो है उपयोग में आएंगी और इससे जो है डंपिंग पॉइंट कम होंगे और ये चूँकि जो CNG वाहन है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो सर ये सारे 110 वाहन सारे नए थे सर? जी सर, मैंने कई ड्राइवरों से पूछा सर तो कहीं वो सर एक किट नहीं थी मतलब। देखिए इससे पहले नगर निगम में CNG वाहन ही नहीं थे, सारे डीजल वाहन हैं, ये पहली बार जो है नगर निगम में उपयोग लगाया गया। स्टेफनी नहीं थी मतलब, जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं संचालन से पहले उनको पूरा करा दिया जाए। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में नगर आयुक्त जी थे अजय कुमार द्विवेदी जी थे, इन्होंने कहा कि जिस तरह से आज वाहनों को 110 वाहनों को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए रवाना किया गया है, ऐसे में देखना यह क्या होगा कि क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाता है। कैमरा पर्सन विरान हैदर के साथ मयंक तिवारी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।